मीरा जी। वो अलाउड नहीं है। अच्छा ऐसे दूर से आइए बैठिए। ताली बजा जोरदार कनक जी के लिए। अच्छा आप क्या यकीन नहीं हो रहा क्या है? आप हमारे को देख करके हम इससे इतने खराब दिख रहे हैं कि आप हंसते चले जा रहे हैं। आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं LLB कर रही हूँ अभी। LLB कर रही हैं? लॉ पढ़ेंगे आप? फर्स्ट सेम है मेरा अभी। ये लॉ ही क्यों चुना आपने? सर एक्चुअली था क्या, 12 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। सॉरी जी। सर हुआ क्या, अब उनके रोड एक्सीडेंट का था तो उनका क्लेम मिलने में 8 ईयर्स लग गए। 8 साल लग गए जी सर। हमारे देश में ना केसेस ज्यादा हैं और जजेस कम। सर मैं चाहती हूँ मैं जज बनूं और जितना हो सकता है मैं लोगों को जस्टिस दूं। सर मुझे पूरा मोटिवेशन मेरी मम्मा से मिल पूरा। वही मैं पूछने वाले कंपेनियन के रूप में आप उनको लाए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। सर वो 23 साल से ड्रीम देख रही हैं यहाँ आने का, 23 साल से ट्राई कर रही हैं। जब ये शो स्टार्ट हुआ था तब से सर उस वक्त STD चलते थे। मम्मी बताती हैं उस वक्त STD पर जब कॉल लगाया पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए उस वक्त बिल आया 180 रुपीज 2000 में। ये भगवान। और सर वो रोते रोते घर गई ना, नानी ने बोला कि हो गया तुम्हारा काम, नहीं हुआ तो मम्मी ने बोला हाँ हो गया, 15 दिन या 20 दिन में कॉल आएगा। सर वो 15-20 दिन आज 23 साल बाद पूरे हुए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ करेंगी और जो कुछ भी आप पढ़ रही हैं जिसमें आप अपने आप को शिक्षित करना चाह रही हैं उसमें आप सफल हों और जो भी आपके मनस्थिति में भावनाएं हैं न्याय को लेकर के जस्टिस को लेकर के वो पूरी हों, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। कनक जी तो रूल्स तो आपको पता ही है, केवल 3 जो लाइफलाइन है उसके बारे में बता दें। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, तीसरी है डबल डिप। तो चलिए शुरू करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इस मेकअप उपकरण का उपयोग शरीर के किस भाग पर किया जाता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज दिस मेकअप एपरेटस यूज्ड ऑन? एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, ये देखिए तस्वीर। वाह देख लिया। ऑप्शन डालें कि ना डालें? हाँ सर डालें। तो आपके सामने ऑप्शन ये हैं, ए है आईज, बी है नेल्स, सी ईयर्स, डी लिप्स। आंख नाखून कान या होंठ? सर डी लिप्स को लॉक किया जाए। डी लिप्स पे ताला लगा दिया जाए, भगवान न करे कि कभी भी लिप्स पे ताला लगे। लेकिन ये बिल्कुल सही उत्तर है आप। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए कनक जी आपके सामने ये रहा, प्रश्न ये है कि आमतौर पर गुलाब के इनमें से किस भाग में पंखुड़ियां होती हैं? यूजली विच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ अ रोज प्लांट हैज पेटल्स, ए स्टेम, बी फ्लावर, सी लीफ या डी रूट। सब बी फ्लावर। तना फूल पत्ता या जड़? सब बी फ्लावर। बी फ्लावर कह रहे हैं, ताल लगा दिया जाए बी पे। बिल्कुल सही जवाब दे दिया। ऑलराइट कनक जी चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए ये रहा आपके सामने, NALSAR और NLU संस्थान मुख्य रूप से इनमें से क्या पढ़ाते हैं? NALSAR एंड NLU आर ऑल इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्राइमरली टीच व्हिच ऑफ दीस। ऑप्शन सुनिए, ए इंजीनियरिंग, बी फैशन, सी लॉ या डी जर्नलिज्म। इंजीनियरिंग, फैशन, कानून या पत्रकारिता। सी लॉ। सी लॉ क्या करें? लॉक करते हैं। सी पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके आगे बढ़ते हैं, आएगा पांचवा प्रश्न, रेडी? ये है 10000 रुपए का खेल का पहला पड़ाव है ये। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन सा चिकित्सा पेशेवर आमतौर पर इनेमल पर ड्रिल का उपयोग करेगा? विच ऑफ दीज मेडिकल प्रोफेशनल्स
would usually use a drill on enamel? Option suniye: A. Dentist, B. Psychiatrist, C. Cardiologist, or D. Radiologist. Dant chikitsak, mano chikitsak, hriday rog visheshagya ya radiologist. Sir, A. Dentist ko lock kiya. Dentist keh rahe hain, tala laga diya jaye. Dant chikitsak. Bilkul sahi jawab diya. आ गया सातवां प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 रुपए. कनक जी तैयार हो जाइए. सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. श्री रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? श्री रेवंत रेड्डी हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट. ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, ई आंध्र प्रदेश. सर लाइफलाइन. शांत हो जाइए बादुमती जी. कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस. ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब. वाह, 80% मिला है बी को, तेलंगाना को. क्या कीजिएगा? जनता के साथ जाएंगे? यस सर. ऑलराइट, बोलिए क्या करें? बी तेलंगाना लॉक किया जाए. बी तेलंगाना पे कह रही है, ताला लगाया जाए. यस, वेल प्लेड. नवा प्रश्न 1,60,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. दिसंबर 2023 में भारत के पूर्वी तट से टकराने वाले चक्रवात का नाम क्या था? What is the name of the cyclone that affected the eastern coast of India in December 2023? और आपके ऑप्शन जाएंगे मिथिली, बी बिपार जॉय, सी मिचोंग या डी तेज. मन में अगर दो हो तो आप डबल डिप ले सकते हैं क्योंकि वही एक लाइफलाइन बची, लेकिन सही होने चाहिए वो तो, वरना एक बार लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाए. अगर आप चाहें तो अभी भी क्विट कर सकती हैं. आगे नक सर लाइफलाइन. लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाइए बदुमती जी. डबल डिप लाइफलाइन को अंकित किया जाए. अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं कनक जी. पहला उत्तर बताइए. बी बिपर जॉय. बी बिपर जॉय लगा जाए. ये गलत है. सर टाइमर स्टार्ट हो रहा है, जल्दी बोलिए. किसी एक को बोलिए जल्दी से. सर सी मिचोंग. हैं? सी मिचोंग. सी मिचोंग. सी मिचोंग पे ताला लगाया जाए. अखबार वगैरह पढ़ती है कि नहीं आप? हाँ सर, कभी कभी. हाँ? सर टाइम नहीं मिलता. टाइम नहीं मिलता तो क्या पढ़ती हैं फिर आप? बस अभी कोर्स चल रहा है लड़की का. सर लास्ट ईयर आप बुलाते तो मेरा पूरा करंट अफेयर्स टिप्स पे था, प्रिपरेशन की वजह से एंट्रेंस की. सर अब आप लेट बुलाते. 1,60,000 जीत गए. मिचोंग बिल्कुल सही उत्तर. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. जब भारत यूनाइटेड किंगडम का उपनिवेश था तो वहां पर इनमें से किसका शासन नहीं था? Who among these was not the ruler of the United Kingdom when India was its colony? समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए जॉर्ज द सिक्स्थ, बी विक्टोरिया, सी जॉर्ज द फिफ्थ या डी एलिजाबेथ द सेकंड. उस समय कौन इनमें से रूलर नहीं था?
बोलिए 15 सेकंड रह गए, क्या करना चाहिए? सर डी लॉक कीजिए। डी को लॉक करें। और डी एलिजाबेथ सेकंड पे ताला लगाने के लिए कह रही है, बहुत ही दबे स्वर में बोल रही है। जीत गई है यार।